अभी हम लोगों ने क्लास वर्क में खाली स्थान भरो करा था, अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे और होमवर्क डालेंगे। ठीक है, जा रहे हैं आप होमवर्क। देखो डेट डालो 7-8- जो डेट डाल सकते हैं डालोगे अपने आप से 2021। फिर यहाँ पर डाल दो h.w. ठीक है, और यहाँ पर ऊपर अपना नेम। अब हम होमवर्क करेंगे, लिखो अगला, लिखो अगला डैश, फिर लिख दो अक्षर अक्षर, अगला अक्षर, जो भी मैं यहाँ पर अक्षर लिखूंगी उसका अगला अक्षर। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बड़ी अंगा खाली डैश, बड़ी अंगा खाली के अगला अक्षर क्या होगा, क्या आता है बड़ी अंगा खाली के बाद, हमने लिखा था सुबह क से कमल, एक बता रही हूँ बस मैं, आपको लिख लिया। फिर नीचे आ जाओ, अब मैंने लिखा है यहाँ पे ई से इमली डैश, इमली का अगला अक्षर क्या होता है, इमली के बाद क्या आता है बड़ी ई से ईख, लिखो यहाँ पे बड़ी ई से ईख, लिख लिया। अब इमली के नीचे आ जाओ, लिखो यहाँ पे री से ऋषि डैश, री ऋषि का अगला अक्षर क्या होता है बताओ, छोटी ए से एड़ी, लिखो यहाँ पे, लिख लिया। फिर नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे बड़े छोटे ओ से ओखली डैश, ओ से ओखली का अगला अक्षर क्या होता है, क्या आता है बड़े ओ से औरत, लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, लिखो यहाँ पे, लिखो ए से एड़ी डैश, एड़ी का अगला अक्षर क्या होता है बताओ, एड़ी का अगला अक्षर बड़ी ऐसे ऐनक, लिख दो यहाँ पे। फिर नीचे आ जाओ, लिखो अ से अनार डैश, आ अनार का अगला अक्षर क्या होता है बताइए, यहाँ पे लिखो बड़े आ से आम। फिर नीचे आ जाओ, मैंने लिखा है ऊ से उल्लू डैश, उल्लू का अगला अक्षर क्या होता है बड़े ऊ से ऊन, लिखो यहाँ पे। अब नीचे मैंने लिखा है अंग से अंगूर डैश, अंग से अंगूर का अगला अक्षर बड़ी अंगा खाली। ये हमारा क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके बेटा।